और हर कैबिनेट मंत्री को कहा है कि मंडल मुख्यालय पर जाकर एक प्रेस के द्वारा जो 100 दिन की उपलब्धियाँ हुई हैं, जो हमारे संकल्प पत्र में थी, उनको पूरा किया गया है, उनको चालू किया गया है, तो उसको बनाना और बताने के बाद जनता तक पहुँचे, क्योंकि जो उपलब्धि हुई है, जो काम हुए हैं, हर विभाग अपना अपना जानता है, समग्रता में नहीं जानता, समग्रता में जनता तक पहुँचे, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधानसभा चुनाव से पहले सर सरकार ने 3 वायदे किए थे, विश्वविद्यालय, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और एयरपोर्ट, ये दो तो शुरू हो गए सर। एयरपोर्ट को जिले की जनता का बड़ा इंतजार, कब तक मिल जाएगा? आप ही ने कहा कि 2 शुरू हो गए 3 में, तो डिस्टिंक्शन मार्क्स तो मिल चुके हैं, वो भी शुरू होगा। जिले की जनता सर बड़ी देर से इंतजार ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, ये काम करने वाली सरकार, मेरा नेता मोदी जी कहते हैं उद्घाटन भी आपको शिलान्यास भी हम करेंगे, तो उद्घाटन भी हम करेंगे, शिलान्यास के पत्थर डाल कर छोड़ नहीं जाएंगे। और आपने कहा कि 2 चीज़ें पूरी हो गई, क्या संभावना है? अब जल्दी शुरू होगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, उसमें सब काम चल रहा है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं नहीं शुरू होगा, किसी भी प्रोविंस में, बड़े बड़े जो एडवांस प्रोविंस हैं, अब उत्तर प्रदेश थोड़े दिनों में लीडर बनेगा हर फील्ड में। सर महंगाई जनता कहीं महंगाई से त्रस्त इसलिए नहीं है, क्योंकि हमारे सरकार उनको मुफ्त में जो ज़रूरतमंद है उनको अन्न भी दे रही है, हमारी सरकार उनको अन्य चीज़ मुहैया करा रही है, पेट्रोल में कमी हुई है, इसलिए आम आदमी के खर्चे का भार कम उसका कम हुआ, तो ऐसा नहीं है कि महंगाई से परेशान हो जनता, क्योंकि जो जनता को नीड है, जिसको वो जनता को सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं सरकार के द्वारा। सरकार गौशालाओं में गाय गौशाला, मैं देख के आऊँगा आज गौशाला को, आपने बताया निरीक्षण जरूर करिएगा सर। मीन सर ये पानी की व्यवस्था नहीं है इससे सर, और यहाँ पे स्थानीय निकाय में कौन है चेयरमैन? मेयर है, चेयरमैन है, नगर पालिका चेयरमैन है, तो उनसे भी कहिए आप, हम भी कहेंगे टीम साहब से भी उनको कहवाएंगे, कुछ ऐसी जगह तलाश है जब पार्किंग की जा सके। सर सरकार ने जो आयुष्मान कार्ड के लिए किया है उसके लिए जरूर, सरकार 2.0 है, उनके अचीवमेंट्स को बताने, क्योंकि जो संकल्प पत्र में था 100 दिन में पूरा करने का, वो लगभग 100 दिन में टारगेट पूरा कर लिया, और अब आगामी 6 माह का भी टारगेट बन गया है, 1 साल का भी बन गया है। अगर हम संक्षिप्त में कहना चाहें तो जितने भी विकास कार्य या जन सामान्य के हित के कार्य, सामाजिक कल्याण के कार्य हुए हैं, उसको कुछ शब्दों में बांधें तो गांव गरीब और किसान, बेरोजगार नौजवान, नारी के सम्मान, शिक्षा के नए सोपान, उद्योगों के उत्थान, जनता के राष्ट्रीय स्वाभिमान और मान, और हर जिले के प्रोडक्ट को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनवाने का काम माननीय योगी जी ने किया, इस सरकार में इतने काम हुए, और पिछले जो काम था योगी जी की पहली सरकार का, उसी का सुपरिणाम था कि बरसों बाद कोई बहुमत की सरकार दोबारा प्रदेश में रिपीट हुई, ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व का, योगी जी के नेतृत्व का, दोनों हमारे नेताओं के कृतित्व का, कार्यकर्ताओं के परिश्रम का और जनता के स्नेह का परिणाम। मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, क्योंकि काम इतने हैं तो सुबह से शाम हो जाएगी बताने, वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। ये काम हुए, वो आपको मैंने सबको इसका ब्रीफ करके दिया है, इसको आप पढ़ लें, कुछ पूछना हो उसके बाद तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ।
के बावजूद भी प्राइमरी की हालत सुधर नहीं रही, शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं, 8-8 बजे तक स्कूल नहीं खुलते, इसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाए? देखिए, पिछले सरकारों के कार्यकाल शिक्षा का स्तर इतना बिगाड़ा गया, इससे शर्मनाक स्थिति किसी प्रदेश या देश के लिए नहीं हो सकती, जनता के लिए, कि कोई राजनीतिक दल नकल कराने का अधिकार देंगे, अप्रत्यक्ष रूप से घोषणा करते हुए वोट मांगे, तो इस प्रदेश में ऐसा हुआ। उसको ढर्रे, इतनी बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था को ढर्रे पे लाना एक मुश्किल काम था। उस काम को चुनौती के रूप में माननीय योगी जी ने स्वीकार किया, उनकी कैबिनेट ने स्वीकार किया, और आज सुधार हो रहा है और सुधार होंगे, तो सुधार की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, और जो आदर्श स्थिति है उसको पाएंगे इस बात साल। पहले तो सर आपको भी धन्यवाद देना था आजमगढ़ के प्रभारी तरह से हम लोगों के रक्षक के रूप में, हम लोगों को पता भी थोड़ा सा लेट ही चला। पूरे प्रदेश की समस्याएं हम जानते हैं, हर मंत्री पूरे प्रदेश कैबिनेट नेता मंत्री पूरे प्रदेश मंत्री समूह बना है वो जानेगा। दूसरा, वहाँ के कार्यकर्ताओं से परिचय। तीसरा, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कैसे कैसे, इसकी रिपोर्ट हमसे मांगते हैं मुख्यमंत्री की, वो पहुँचे, तो वरना शायद हम पूरे प्रदेश का दौरा ना कर पाए। अब 18 मंडलों का दौरा करना है, उसके बाद वो स्थायी रूप से बनाएंगे मंत्रालयों को प्रभारी। तो यहाँ पर मैं नहीं आ पाया था, वजह थी उस समय चुनाव चल रहा था, आचार संहिता लगी, तो बलिया में बैठा, बलिया कल, और दूसरे हमारे जो सहयोगी मंत्री के ग्रुप में वो मऊ रहे। आज इस प्रेस को लेने आया, कुछ समस्या से लेने आया, एक बार देख चुका हूँ मैं यहाँ आकर अपने विश्वविद्यालय को भी, उसकी प्रगति को, और कुछ समस्याओं का रूबरू है। SSP साहब के साथ भी बैठे थे, उनके साथ भी बैठे थे, आज भी बैठने वाले हैं, तो जो समस्या आएंगी, समस्या देखिए आती हैं, उनका निराकरण होते रहता है, समस्या तो ज्वलंत है रहेंगी, लेकिन निराकरण जरूरी है, और ईमानदार की कोशिश जरूरी है, मेरे नेता की ईमानदार कोशिश है, और हम सब लोगों ने उन्होंने जुटा रखा है। यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री शहरी आवास बनना था, जिला प्रशासन अभी तक यहाँ जमीन नहीं दी, जो कि 2022 में देना था। चलिए ढूंढेंगे, अगर आपने कहा है तो मैं ढूंढी गई थी सर, वो क्योंकि किनारे थी, अच्छा दिया ठीक है। अभी DM साहब ने बताया कि जमीन तलाश ली गई थी, लेकिन नदी के किनारे होने से DPR में मंजूरी नहीं मिली। तलाशेंगे, काम होंगे, और पानी दुश्मन इसलिए, लेकिन ऐसा है कि सड़कों के निर्माण को ये देखना चाहिए, जो भी इंजीनियर्स हों, सड़कें किस आकार में बने, पानी बह जाए, और कभी कभी सड़कें यूँ बन जाती हैं, हाँ विभाग की देन है, उसमें अगर कहीं पे ऐसी शिकायत आएगी तो उसको दंडित भी किया जाएगा, और भविष्य में ऐसी सड़कें ना बने, इस पे मैं माननीय DM साहब से कहूँगा कि जरा ध्यान रखें कि ऐसी सड़कें ना बने, उस विभाग को देखा जाता रहे। तीसरा ये कि अभी तक यहाँ हमारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं था जो आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा था, अब जनप्रतिनिधि हमको मिल गया है, आप लोगों ने देखिए परिवर्तन का युग आ गया, आप समझ में आ गई लोगों को, माननीय योगी जी के जो बाई इलेक्शन हुए, दोनों जगह जहां पर कभी भाजपा नहीं जीती थी वहां भाजपा जीत करा रही है, ये योगी जी की सरकार की उपलब्धि है, उनके कामों की उपलब्धि है। प्रशासन अपना काम तो कर रहा है हटवाने का ना, इस बात को तो आप उसके लिए, वैसे आपका प्रश्न अच्छा है, मैं मशवरा दूंगा, हमारे दोनों अधिकारी बैठे हैं हमारे पास, वो सुझाव है मेरा, करना करेंगे तो ये आपका पहला प्रश्न खड़ा नहीं होगा, ये बात सही है, 2 दिन बाद नहीं, साल भर बाद, स्थाई जो अतिक्रमण होता है साल भर बाद लगता है, अस्थाई तुरंत लग जाता है, 2 दिन बाद देखा कि हलचल का मूल प्रशासनिक फिर लग गया, ये हर शहर की, और इसमें प्रशासन से ज़्यादा हमें सुधरना होगा, हमें सुधरना होगा, तो उसमें ऐसा करें DM साहब और आप SSO साहब,
जब अतिक्रमण हटे तो वहाँ की वीडियोग्राफी स्टिल फोटोग्राफी कर और थानों पर उसको दे दे। कोई सीओ लेवल का आदमी नोडल इंचार्ज बन जाए, वो हर दो महीने बाद उनको दिखा दे के अब किसने कर लिया, क्योंकि अतिक्रमण जो स्थाई होते हैं वो बिना वो डिपार्टमेंट जो संबंधित डिपार्टमेंट है स्थानीय निकाय जहाँ पर जो भी हो या विकास प्राधिकरण जहाँ पर होते हैं वो या चौकी इंचार्ज या थाना इंचार्ज, इनके सलामी के बिना नहीं होते, इनकी मंतव्य के बिना नहीं हो सकते और वो बच जाते हैं। जब दो साल ढाई साल बाद अभियान चलता है तो जनता सफर करती है, जिस जनता का निर्माण करती है उसके लिए हर दो तीन महीने बाद देख लें, जहाँ एक्स्ट्रा बन गया उसको तो खैर दंडित होना ही पड़ेगा, लेकिन उस समय कौन मौजूद था थाना पर, कौन मौजूद था नगर निगम या नगर निगम या नगर पालिका जो भी हो, और कौन मौजूद था प्राधिकरण, उनको भी दंडित किया जाना चाहिए। अधिकारी बच जाए और जनता अपने अपराध के लिए अपराध कर रही तो पिसेगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो और साथी हैं उनके ना बचें, ये हमारी जो इससे अतिक्रमण रुके। सर मैं अजय मिश्रा हूँ, मैं दैनिक भास्कर पूरा कर और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र नहीं कहा, इसे संकल्प पत्र कहा और संकल्प पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुरूप शैक्षिक वातावरण तैयार करना उसको बढ़ाना। बड़ा दुर्भाग्य था कि इस देश में आज़ादी के बाद अंग्रेजों की जो शिक्षा प्रणाली चल रही थी जो अपने एजेंट तैयार करने की थी, यानी लॉर्ड मैकाले की दी शिक्षा पद्धति ने काले अंग्रेज पैदा किए, हिंदुस्तानी पैदा नहीं, तो मूल रूप से हिंदुस्तानी पैदा हो, शिक्षा में आधुनिकता का प्राचीनता का समावेशित हो, इसलिए शिक्षा को नई शिक्षा नीति में रोजगार से जोड़ा गया, शिक्षा को संस्कार से जोड़ा गया और शिक्षा को तकनीक से जोड़ा गया। इस मूल बिंदु की परिधि में सभी योजनाएं बन रही हैं। उदाहरण के तौर पर हमने टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया, यानी आम कार्यकर्ता और छात्र अब तकनीक से जुड़ गया, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट लैब्स, हमारे संस्कृति को बढ़ावा देने वाली जैसे संस्कृत विश्वविद्यालय संपूर्णानंद का है, वहाँ संस्कृत की ऑनलाइन प्रशिक्षण ऑनलाइन ले सकता है, वहाँ पर जो हमारे प्राचीन कोर्स है वास्तु ज्योतिष इनका सबका शुरू हुआ है, हमारे जितने महापुरुष हैं पूर्वज हैं क्रांतिकारी हैं उनको पाठ्यक्रम में समावेश करके उनके विषयों को आम छात्र तक पहुँचे और उनके जो जन्मतिथि वगैरह हैं जयंतियाँ उन पर कोई एक थीम बेस्ड कार्यक्रम का भी आयोजन। तो ये जो नई चीज़ें आई हैं, नए नए विश्वविद्यालय खोल रहे हैं असीमित क्षेत्र, अब आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है, इस तरह से तीन बड़े विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है यहाँ पर आजमगढ़ में, अलीगढ़ में और सहारनपुर, और सभी का नाम हमारे अतीत के महापुरुषों के प्रेरणा पुरुषों के नाम पर। तो मोटा मोटा तो यही है और आपकी आलोक की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने क्या क्या बताया? अभी 80,000 करोड़ के निवेश हुए हैं, ग्राउंड सेरेमनी जो माननीय मोदी जी ने की है उसमें अकेले आईटी के 22,000 करोड़ का निवेश इन्वाइट हुआ है, डाटा सेंटर और आईटी पार्क इस तरह के जो इन्वेस्टर आ रहे हैं, पहली बार इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, यानी आप इसके अंदाज लगाइए 80,000 करोड़ में कम से कम 22,000 करोड़ का आईटी सेंटर का ही है, ये बड़ी उपलब्धि है। आगे के 6 महीने किस तरह से आप जो अपनी योजनाएं हैं जो शुरुआत की हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा, प्रगति दी जाएगी उनमें, और नई योजनाएं जो 6 महीने के टारगेट में हर विभाग की अपनी उनको पूरा करेगा।